दोस्तों, देसी दिल्ली चैनल पे आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज बनाती हूँ समोसे पॉकेट, जो बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद आती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये रेसिपी। बड़े से थाल में एक कप मैदा, चाहे तो आप आधा कप आटा और आधा कप मैदा ले सकते हैं। दो बड़े चम्मच घी या कुकिंग ऑयल, एक चौथाई छोटा चम्मच मंगरेला, नमक स्वाद के अनुसार डाल ले और अच्छे से मिला ले। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंद ले। गूंदा हुआ आटा थोड़ा सा सख्त होना चाहिए, जैसे समोसे वाले आटे गूंदते हैं। आटा गूंदने के बाद 20 मिनट के लिए ढककर छोड़ दें। दो बड़े उबले हुए आलू को कद्दूकस कर लें या हाथ की सहायता से मैश कर लें। दो चम्मच कॉर्नफ्लावर या मैदा डालें। दो बड़े चम्मच धनिया पत्ता, दो हरी मिर्च, नमक स्वाद के अनुसार डाल लें। आधा छोटा चम्मच चिल्ली फ्लेक्स को डालकर अच्छे से मिला लें। आप चाहे तो इसमें मटर और शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। एक कटोरी में दो छोटी चम्मच मैदा, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे पेस्ट बना लें। हाथ में थोड़ा सा घी लगाएं और आलू की मिक्सचर को सिलेंडर के शेप में बना लें। गूंदे हुए आटे को और अच्छे से थोड़ा गूंद लें। पर थोड़ा सा मैदा छिड़के और आटे को दो हिस्से में काट लें। एक लोई को पतला बेलें, जैसे समोसे वाली रोटी बेलते हैं। बड़ी सी रोटी बना लें। एक आलू को इस तरह से रखकर लाइन बना लें और रोटी को काट लें।
दोबारा उसी आलू को रखें और इस तरह से फोल्ड करें। पेस्ट लगाकर इसे पैक कर दें। सभी आलू को इसी तरह से बनाकर रखें। तेल ज्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। आलू का बना हुआ सभी रोल को तेल में डालें और फ्राई करें। फ्राई करते हुए चारों तरफ इसे घुमा दें और इसे 5 से 6 मिनट के लिए लगातार इसे फ्राई करें। गैस का फ्लेम हाई टू मीडियम रखें। जब चारों तरफ से गोल्डन और करारी हो जाए तो इसे निकाल लें। बच्चों को गर्मा गर्म हरी धनिया की चटनी या टमाटो सॉस के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।